नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हाँ, इस समय हम मौजूद हैं रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ पर मतगणना प्रारंभ हो गई है। अभी तक जो भी परिणाम आए हैं मैं उनको आपको बता दूं। अगर अपन बात करें त्योंथर की, तो त्योंथर में कांग्रेस को 3658 वोट मिले हैं, बीजेपी को 3253 वोट मिले हैं, बहुजन समाज पार्टी को 649 वोट मिले हैं। बात की जाए मऊगंज की, तो मऊगंज में कांग्रेस को 1210 वोट मिले हैं, बीजेपी को 1757 वोट मिले हैं, बीएसपी को 3721 वोट मिले हैं। अगर बात की जाए मऊगंज की, तो यहाँ पर बीएसपी लगभग 2000 वोटों से अभी लीड कर रही है। त्योंथर में कांग्रेस लगभग 400 वोट से आगे है। देवतालाब की बात की जाए, तो यहाँ पर बीजेपी लगभग 200 वोट से आगे है। बीजेपी को 2757 वोट मिले हैं, बीएसपी को 2513 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 2100 वोट मिले हैं। बात की जाए सबसे चर्चित सीट रीवा की, तो रीवा में 3750 वोट बीजेपी को मिले हैं, कांग्रेस के अभय मिश्रा को 2981 वोट मिले हैं, बीएसपी को 948 वोट मिले हैं। इस तरीके से लगभग 800 वोट से बीजेपी रीवा से लीड कर रही है। बात की जाए गुड़ विधानसभा की, तो यहाँ पर कांग्रेस लगभग 300 वोटों से लीड कर रही है। कांग्रेस को अभी तक 4926 वोट मिले हैं, बीजेपी को 2623 वोट मिले हैं, बीएसपी को 2250 वोट मिले हैं, नई पार्टी सपा को 2824 वोट मिले हैं। बात की जाए सिमरिया विधानसभा की, तो सिमरिया विधानसभा में बीजेपी 2825 वोट से सबसे आगे है। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी है, जिसको 2176 वोट मिले हैं। लगभग यहां पर बीजेपी 700 वोट से आगे है। कांग्रेस को अभी 1955 वोट मिले हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं चावेद अंसारी।